दोस्तों, स्टॉक मार्केट में लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हर इन्वेस्टर मार्केट में आने वाला प्रॉफिटेबिलिटी चाहता है। हर इन्वेस्टर चाहता है कि उसको अच्छे से अच्छा मुनाफा हो, उसका लगाया हर एक दाव प्रॉफिट में जाए और उसको कभी भी नुकसान ना हो। लेकिन रियल मार्केट में इसके विपरीत हो जाता है। ट्रेडर्स बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देखे अपने ट्रेड्स को अंजाम दे देते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित होती हैं। और कई कई बार ऐसा होता है कि उनका पूरा का पूरा कैपिटल, जो पूरा का पूरा उनका हार्डली अर्न मनी जो उन्होंने मेहनत से कमाई है, वो सारी की सारी ट्रेडिंग के अंदर चली जाती है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग करने से पहले हमें ये बात ज़रूर जान लेनी चाहिए कि ट्रेडिंग करने का असली तरीका क्या है। और आज के इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। देखिए, ट्रेडिंग करने का असली तरीका वो है जिसमें कि आप टेक्निकल एनालिसिस करें, किसी भी स्टॉक या किसी भी कमोडिटी को ख़रीदने से पहले अच्छी तरह से जाँच परख लें कि वो किस ट्रेंड में है, क्या उसकी आगे आने वाली फ्यूचर मूवमेंट किस तरीके की हो सकती है। उस हिसाब से अगर आप दाव लगाएंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से अपनी जो प्रॉफिट हैं वो आराम से ले पाएंगे, अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएंगे और अपनी ट्रेडिंग को आप प्रॉफिटेबल वे में लेके जा पाएंगे। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हमारे पास कुछ ना कुछ इस तरीके का मटेरियल हो, जिस मटेरियल को देख के हमें पता लगे, जिस मटेरियल में हम देख सकें कि कैसे क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट किस तरफ जा रही है और क्या प्रॉफिटेबिलिटी हम एज्यूम करें, कैसे कौन सी जगह हम एंट्री करें, कौन सी जगह अपने सौदे को निकालें। उसके लिए हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मेटा ट्रेडर 4 एक प्लेटफॉर्म है, चार्टिंग प्लेटफॉर्म, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। ये तो बहुत से और भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेटा ट्रेडर 4 की क्या खास बात है और कैसे कैसे हम मेटा ट्रेडर 4 के अंदर ट्रेडिंग करके या मेटा ट्रेडर 4 के अंदर चार्टिंग करके कैसे हम अपने प्रॉफिट्स बना सकते हैं, कैसे हम मार्केट को एनालाइज करें। मेटा ट्रेडर 4 की बारीकियों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आप देख रहे हैं MCX श्योर गेन का वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे जो अभी सॉफ्टवेयर देख पा रहे हैं वो सॉफ्टवेयर है मेटा ट्रेडर, यानी कि MT4 प्लेटफॉर्म। मेटा ट्रेडर को शॉर्ट नेम MT4 भी कहते हैं। तो मेटा ट्रेडर 4 के अंदर आपको कुछ बेसिक स्क्रीन्स मिलती हैं, जिन स्क्रीन्स को के माध्यम से आप अपनी चार्टिंग करते हैं और देख पाते हैं कैसे कैसे आपको मेटा ट्रेडर 4 को इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये तीन विंडोज़ हैं। फर्स्ट विंडो का नाम है मार्केट वॉच विंडो, सेकेंड विंडो का नाम है नेविगेटर विंडो और जो थर्ड विंडो है, यानी कि जो ब्लैंक स्क्रीन आपको ग्रे कलर की दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं हम चार्ट विंडो। तो ये तीन बेसिक विंडोज़ होती हैं जो हमारे काम आती हैं। इसके अलावा टॉप पे आप देखेंगे कि फाइल का बटन है। दोस्तों, सबसे पहले आपको मेटा ट्रेडर 4 के अंदर लॉगिन करना होता है या फिर अपना अकाउंट ओपन करना होता है। अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको किसी के पास नहीं जाना, डेमो अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत आसान सा प्रोसेस है। आप ओपन एन अकाउंट पर जा सकते हैं। ओपन एन अकाउंट पर जाके आप किसी भी सर्वर को चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पर जाने के बाद आप यहां पर न्यू डेमो अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो वो यहां पर आपसे कुछ क्रेडेंशियल्स मांगेगा, वहां पर आप अपनी क्रेडेंशियल्स डाल के और आई एग्री टू सब्सक्राइब फॉर योर न्यूज़लेटर पे करके नेक्स्ट करेंगे तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। बेसिकली जो भी आपका अकाउंट ओपन होगा उसके अंदर आपको फॉरेक्स मार्केट मिलेगी, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मिलेगी। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आप डेमो ट्रेडिंग करके अपनी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। उससे आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके से आप जो दाव लगा रहे हैं वो कैसे प्रॉफिटेबल जा रहे हैं या क्या हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं इसमें कि आपको इंडियन मार्केट के स्टॉक्स मिलें, इंडियन मार्केट के फ्यूचर्स मिलें, हालांकि आप उनके ऊपर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ चार्ट के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चार्टिंग के लिए चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसा मिले, ऐसा कुछ अकाउंट मिले जिसमें कि आप स्टॉक और कमोडिटी मार्केट्स देख सकें, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि MCXShoreGain.com है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। MCXShoreGain.com पे जाके आप आवर सर्विसेज में जाएं। आवर सर्विस में जाने के बाद आप मेटा ट्रेडर डाटा फॉर PC एंड मोबाइल पर जाएं। यहाँ पर जाने के बाद आपको नीचे एक फॉर्म दिखाई देगा, आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं ताकि हम आपको डेमोस्ट्रेशन दे पाएँ किस तरीके से स्टॉक और कमोडिटी मार्केट्स का डेटा आप मेटा ट्रेडर में चला सकते हैं। जब आप डेमो पे अप्लाई करेंगे तो तुरंत आपको हमारे MCXShoreGain से कॉल आएगा और वहाँ से कॉल आने के बाद हम आपका इंस्टॉलेशन एक सॉफ्टवेयर यानी कि टीम व्यूवर के थ्रू कर देंगे। अगर आपके पास टीम व्यूवर नहीं है और आपको टीम व्यूवर की कोई जानकारी नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट के डाउनलोड सेशन में जाके टीम व्यूवर 7 को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रन कर सकते हैं। जब आप इसको रन करेंगे तो आपको पर्सनल एंड नॉन कमर्शियल यूज़ करके इसको रन करना है ताकि ये लॉन्ग टर्म पीरियड तक चलता रहे। तो दोस्तों, ये था आपका
मेटा ट्रेडर 4 में स्टॉक और कमोडिटी किस तरीके से चला सकते हैं। अब आगे हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद जब आप हमारे यहाँ से जब आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा या किसी भी अदर सर्विस प्रोवाइडर से अगर आप लेना चाहें और जब आपको वो आईडी पासवर्ड दें तो आपको फाइल में जाके लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट में जाना है और वहाँ पर यहाँ पर आईडी और यहाँ पर पासवर्ड डालना है और उसके बाद सर्वर का नाम डालना है और उसके बाद लॉगिन कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे राइट हैंड साइड पर दिखाई देगा कि आपका कनेक्शन स्टेटस क्या है। अगर आपकी आप ऊपर वाली बार्स ग्रीन और नीचे वाली बार्स रेड है और यहाँ पर कनेक्टिविटी आ रही है, इसका मतलब यह है कि आपका कनेक्शन जो है वो ठीक से लॉगिन हो गया है। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी मार्केट वॉच के विंडो में कोई हलचल ना दिखाई दे और आपको डाउट हो कि आपका कनेक्शन नॉर्मल है या नहीं है तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। अगर ये सारी बार्स आपको रेड दिखें और यहाँ पर आपके पास लिखा हो इनवैलिड अकाउंट या फिर आपको लिखा हो नो कनेक्शन, तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि अभी तक आपका अकाउंट जो है वो अच्छी तरह से लॉगिन नहीं हो पाया है। उसके बाद आप उसको दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि इन 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 जो भी आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं इनका हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली विंडो जिसकी हम बात करेंगे मार्केट वॉच की विंडो की, जो आपकी सबसे पहली विंडो है, मार्केट वॉच की विंडो जो है उसका इस्तेमाल हम करते हैं जिस ताकि हम मार्केट के रेट्स देख पाएँ, हम देख पाएँ कि क्या हाई या क्या लो मार्केट ने लगाया है। हम ये नॉर्मल फ्लक्चुएशन अगर मार्केट की देखना चाहते हैं और किसी भी सिंबल का अगर हम चार्ट मार्केट का लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मार्केट वॉच की विंडो की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप पूरे स्क्रीन पर चार्ट देखना चाहते हैं और ये मार्केट वॉच की विंडो आप नहीं देखना चाहते हैं तो या फिर इसको हटाना या लगाना चाहते हैं तो ऊपर आप देखिए मार्केट वॉच के नाम से जो बटन है उसको आप ऐसे क्लिक करेंगे तो वो चला जाएगा, दोबारा से क्लिक करेंगे तो वापस मार्केट वॉच की विंडो आ जाएगी। तो ये था मार्केट वॉच की विंडो को हम कैसे हटा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं और किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम मैं आपको बताएंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल करें। सबसे पहले आप राइट क्लिक करेंगे खाली जगह पे और सिंबल्स पे जाएंगे यानी कि कंट्रोल यू पे जाएंगे। कंट्रोल यू पे जाने के बाद आपको एक विंडो मिलेगी जिसमें कि आपका ये सारे ग्रुप्स आपको अवेलेबल हैं, फॉरेक्स, मेटल्स, इंडिसीज, फॉरेक्स अदर्स, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम, MCX आस्क एंड बिड, MCX ऑप्शंस, वीकली ऑप्शंस, बिटकॉइन, करेंसीज, फॉरेक्स मेजर सिंबल्स, कमोडिटीज़, कॉमेक्स, MCX, NSE फ्यूचर एंड ऑप्शंस, NSE स्पॉट, NCDX, निफ्टी ऑप्शंस, जो भी आपको चाहिए उसको आप क्लिक करके वहाँ से उस सिंबल को ले सकते हैं। मान लीजिए मैं MCX में जाके कोई और सिंबल यानी कि कॉपर लगाना चाहता हूँ तो कॉपर लगा सकता हूँ, क्रूड ऑयल लगाना चाहूँ तो क्रूड ऑयल लगा सकता हूँ, और भी कोई भी सिंबल जो मैं लगाना चाहूँ वो मैं यहाँ से आराम से लगा सकता हूँ। अगर आपको मतलब राइट क्लिक नहीं हो पा रहा है कि फिर आपकी मार्केट वॉच पूरी भर गई है और सिंबल्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप एक दूसरा बटन यानी कि कंट्रोल यू प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल यू प्रेस करने से भी यही मार्केट वॉच की लिस्ट मिलेगी। तो अगर मान लीजिए अब मैं इन सारे सिंबल्स को हटाना चाहता हूँ या इसमें सारे सिंबल्स लगाना चाहता हूँ जितने भी सिंबल मार्केट में अवेलेबल हैं, तो मैं शो ऑल पे यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और शो ऑल पे क्लिक करूँगा। शो ऑल पे क्लिक करने से सारे मार्केट वॉच के जितने भी सिंबल हैं हमारे इसमें अवेलेबल वो सारे सिंबल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। लगभग 900 से 1000 सिंबल यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। अगर आप सारे सिंबल्स को हटाना चाहते हैं तो आप हाइड ऑल पे क्लिक करेंगे तो हाइड ऑल पे क्लिक करने से सारे सिंबल्स मार्केट वॉच की विंडो से चले जाएंगे। तो दोस्तों अब अगर मान लीजिए मैं फिर दोबारा से सिंबल लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर सिंबल्स पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं अपनी फरमाइश के जो भी सिंबल मुझे चाहिए जिनमें मैं ट्रेडिंग करता हूँ या जिसमें मुझे ट्रेडिंग करना पसंद है उन सिंबल्स को मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा। वो सिंबल अप्लाई करने से डबल क्लिक करने से यहाँ पर हाईलाइटेड हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे। येलो होने का मतलब है कि वो मार्केट वॉच की लिस्ट में ऑटोमेटिकली आने लगे हैं। तो अब मान लीजिए मैंने ये चार पाँच चार्ट लगाए, इन चार पाँच चार्टों में मुझे ट्रेडिंग करनी है तो मैं उनके लिए यहाँ पर से एनालिसिस कर सकता हूँ। उसके बाद दूसरी विंडो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है नेविगेटर विंडो। नेविगेटर विंडो के बारे में ब्रीफली मैं बाद में बताऊँगा, अभी इनिशियली मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इस विंडो के थ्रू हम यहाँ पर इंडिकेटर्स जो बेसिक इंडिकेटर मार्केट में होते हैं, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं या जो लोग कुछ कहीं से पढ़ के कोई इंडिकेटर के बारे में कुछ समझ पाए हैं या कुछ करना चाहते हैं उस इंडिकेटर्स का देखना चाहते हैं रिजल्ट क्या है, कैसे चार्ट्स में अप्लाई करना है, तो उसके लिए ये नेविगेटर विंडो यूज़ होती है। अगर आप नेविगेटर विंडो को हटाना या लगाना चाहते हैं तो ऊपर आप देख सकते हैं नेविगेटर के नाम से बटन है, उस पर हटाने से क्लिक करने से वो हट जाएगा और लगाने से वापस आ जाएगा। तो ये था नेविगेटर विंडो का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमें यहाँ पर चार्ट लगाना है तो हम कैसे कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ यह है कि हम राइट क्लिक करके चार्ट विंडो पर जा सकते हैं, इस तरीके से लगा सकते हैं, या फिर हम फाइल में जाके न्यू चार्ट पर जा सकते हैं। अगर हम फाइल में जाके न्यू चार्ट पर जाते हैं तो ये हमसे पूछेगा कि जो हमारे चार्ट मार्केट वॉच में लगे हैं उनमें से
कौन सा चार्ट आप लगाना चाहते हो। मान लीजिए मैं कॉपर का लगाना चाहता हूँ तो मैं कॉपर पे क्लिक करूँगा। कॉपर पे क्लिक करने से एक डिफ़ॉल्ट चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये जो चार्ट आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये चार्टिंग का फर्स्ट टाइप ऑफ चार्ट है, यानी कि बार चार्ट है। आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं चार्टिंग के टाइप्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे, यानी कि आप बार चार्ट लगाना चाहते हैं तो बार चार्ट लगा सकते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ कैंडलस्टिक चार्ट पर क्लिक कर सकते हैं जिससे कि चार्ट का फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। अगर आप लाइन चार्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर लाइन क्लिक पर क्लिक कर सकते हैं तो इससे ये लाइन चार्ट लग जाएगा। अभी ज़्यादातर लोगों का जो मोस्ट फेवरेट चार्टिंग पैटर्न होता है वो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न हमने लगा दिया। और अब अगले बटन पे आते हैं। अगर आपको कैंडल्स अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है, अच्छे से आपको समझ नहीं आ पा रही है, तो आप जूम इन के बटन पे जाके इसको इस तरीके से जूम इन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने ज़्यादा ही जूम इन कर दिया, थोड़ा कम करने से भी आपको और अच्छा चार्ट दिखेगा, तो आप इसको जूम आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद अगले बटन पर आते हैं। अगला बटन जो है वो मल्टी विंडो है, उसको मैं आपको बाद में बताऊँगा। उससे पहले ये स्क्रॉल का बटन है। अगर आप चाहते हैं कि चार्ट बार बार पीछे जाके स्क्रॉल करें तो बार बार पीछे जाके वापस से आपकी करंट मोमेंट पे आ जाए, तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे। इस बटन को प्रेस करने से ये वापस इसी मोमेंट पे आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा बटन है उस बटन का भी मतलब यही है। मान लीजिए आप उस बटन को ऐसे हटा देते हैं और इस बटन को भी हटा देते हैं, दोनों को हटा देते हैं, और अगर आप ऐसे पीछे जाते हैं तो ये सामने अपने आप चार्ट में आएगा। अगर आप या तो ऑटो स्क्रॉल के बटन को क्लिक कर दीजिए या फिर ये चार्ट शिफ्ट के बटन को क्लिक कर दीजिए। अगर आप चार्ट शिफ्ट के बटन को क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से आगे आ जाएगा। अगर आप और भी इसको हटाना चाहते हैं, और भी थोड़ा सा इधर लेफ्ट साइड को अलाइन करना चाहते हैं, तो ऊपर एक छोटा सा एरो आपको दिखाई देगा। उस एरो पर क्लिक करके अगर आप इसको इस तरीके से खिसकाएंगे तो ये और पीछे ज़्यादा चला जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा खिसकाया तो ये इस तरीके से चला गया। अब आते हैं इसके एडजस्टमेंट पे। मान लीजिए अभी आपको ये इसकी एडजस्टमेंट ठीक नहीं लग रही और आप इसको थोड़ा और ऊपर नीचे करना चाहते हैं, तो लेफ्ट ये राइट साइड में जो वर्टिकल स्केल है वो राइट साइड में जो रेट्स लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके आप इसको ऊपर या नीचे इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से ऊपर या नीचे करने पे ये आपका सेट हो जाएगा या एडजस्ट हो जाएगा। जिस भी तरीके से आपको एडजस्ट करना है आप इजीली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था चार्ट विंडो को किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से चार्ट अपना कौन से फॉर्मेशन में देखना है। उसके बाद अगला बटन ये है जो आपको मैं इसको बता रहा था अरेंज विंडो का। इसके लिए मान लीजिए हमने चार चार्ट अलग अलग लगाए, ये दूसरा चार्ट लगाएंगे तो नीचे आप देखोगे कि यहाँ पर चार्ट को आपको बदलने का ऑप्शन आ जाएगा। जिस पे भी आपका चार्ट देखना है उस पर आप बदल सकते हैं। उसके बाद मैंने तीसरा चार्ट लगाया और ये चौथा चार्ट लगाया। अब मैंने चार चार्ट लगाए, अब मैं चाहता हूँ कि ये चारों चार्ट मुझे एक ही स्क्रीन के ऊपर दिखाई दें। मतलब मैं नहीं चाहता कि ये अलग अलग मुझे दिखाई दें, एक ही स्क्रीन पे मैं एक ही व्यू में सारे चार्ट्स की मूवमेंट देखना चाहता हूँ, तो मैं इस बटन को प्रेस करूँगा। इस बटन को प्रेस करते ही ये चारों के चारों चार्ट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। इसमें आप देखेंगे नीचे वाला जो चार्ट है वो 6 तारीख की मूवमेंट दिखा रहा है और आज की मूवमेंट नहीं दिखा रहा, तो मैं ये वाला बटन दबाऊँगा। ये ऐसे ही ये वाला चार्ट है 18 दिसंबर के बाद नहीं, तो मैं ये वाला बटन दबाऊंगा। तो यहाँ पर ये दबाने से ये आपको सारे के सारे चार्ट्स देंगे। नीचे वाले चार्ट आप देखेंगे कि बार फॉर्मेशन में है तो मैं इसको कैंडल कर सकता हूँ, इसको भी कैंडल कर सकता हूँ, इसको भी कैंडल कर सकता हूँ। तो ये चारों चार्ट आपके कैंडल फॉर्मेशन में आ गए और मैं मूवमेंट को आराम से देख सकता हूँ कि क्या मूवमेंट इनकी चल रही है। अब ये चारों के चारों चार्ट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मान लो जी फिर से मैं एक ही चार्ट पर जाना चाहता हूँ, मैं किसी भी एक चार्ट को जूम कर दूंगा तो ये आपको एक ही चार्ट दिखाई देने लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टाइम फ्रेम्स यहाँ पर मेटा ट्रेडर 4 हमें देता है वो है 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे, 1 दिन, 1 वीक और 1 मंथ। जो भी टाइम फ्रेम मुझे लगाना है, 1 मिनट लगाना है तो मैं 1 मिनट करूँगा, 5 मिनट लगाना है तो 5 मिनट, 15, 30, 1 घंटा, 4 घंटा, डेली, मंथली, वीकली और मंथली। तो इस तरीके से हमें अलग अलग टाइम्स के अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट्स हमें यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। अब आते हैं अगले ऑप्शन पे, यानी कि इंडिकेटर्स, यानी कि नेविगेटर विंडो पे। तो दोस्तों नेविगेटर विंडो से इंडिकेटर लगाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला तो हम नेविगेटर विंडो से डायरेक्ट जाके इंडिकेटर लगा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है ये वाला बटन दबा सकते हैं। यहाँ पर दबाने से आपको अलग अलग इंडिकेटर्स के, जैसे ट्रेंड में जाके मूविंग एवरेज लगाना है तो हम मूविंग एवरेज पे क्लिक कर सकते हैं। मूविंग एवरेज पे क्लिक करके यहाँ पर हम उसका पीरियड डाल सकते हैं, जो भी पीरियड हमें चाहिए। मान लीजिए मुझे 50 चाहिए, मैं 50 डाल सकता हूँ। मूविंग एवरेज की लाइन का कलर मुझे जो भी चाहिए, मान लीजिए मुझे येलो चाहिए, मैं येलो कर सकता हूँ। और कितनी मोटी कैंडल चाहिए, कितनी मोटी लाइन चाहिए वो भी मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। एक्सपोनेंशियल चाहिए, सिंपल चाहिए, किस तरीके की मूविंग एवरेज चाहिए वो मैं सिलेक्ट करके ओके कर सकता हूँ। और दोस्तों ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है, अब मैं इसको किसी भी टाइम फ्रेम में देखूंगा तो ये मुझे मूविंग एवरेज वहाँ पर ऐसे ही शो करेगा। एडजस्ट करने के लिए मैं वर्टिकल स्केल पर यूज़ कर सकता हूँ। तो
आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग मतलब मूविंग एवरेज दिखा रही है, मूविंग एवरेज के कुछ ऊपर प्राइस जा रहा है, नीचे जा रहा है। इस हिसाब से हम ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रही है। इंडिकेटर्स के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें, कौन सा इंडिकेटर कौन से टाइम फ्रेम पे ज़्यादा बढ़िया चलता है। तो ये था आपका इंडिकेटर, यहाँ से कोई भी इंडिकेटर आप लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो इंडिकेटर विंडो उस पर जाके कोई भी इंडिकेटर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पीरियड्स का ऑप्शन है, यहाँ से हमें टाइम सेलेक्ट कर सकता हूँ मुझे जो भी टाइम चाहिए। और ये है टेम्पलेट का ऑप्शन। अब मैं दोस्तों टेम्पलेट के बारे में आपको बताता हूँ, टेम्पलेट क्या होती है, कैसे टेम्पलेट को सेट करते हैं। मान लीजिए यही इसी तरीके के फॉर्मेशन में मुझे सारे के सारे चार्ट चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी मैं चार्ट ओपन करूँ तो ये वो ऐसा ही खुले। अगर मैं चाहता हूँ तो मैं राइट क्लिक करूँगा, टेम्पलेट में जाऊँगा और टेम्पलेट में जाके सेव टेम्पलेट पे जाऊँगा और उसको डिफ़ॉल्ट के नाम से सेव कर दूँगा। जैसे ही मैं डिफ़ॉल्ट के नाम से उसको सेव करूँगा और उसके बाद जब भी मैं अलग कोई अगला चार्ट खोलूँगा, मान लीजिए मैं क्रूड ऑयल का एक और चार्ट खोलना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं खोलूँगा तो वो इस तरीके से इस फॉर्मेशन में एज इट इज़ खुलेगा जैसा कि हमने उसको सेट किया है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप ऐसा सेट ना करें, आप चाहते हैं कि आप बिना इंडिकेटर के कुछ आपने कलर चेंज करें हैं चार्ट में और आप उसको सेव करना चाहते हैं, तो आप राइट क्लिक करके टेम्पलेट पे जाके डिफ़ॉल्ट के नाम से उसको सेव कर देंगे। तो जब भी आप अगला चार्ट लगाएंगे तो वो आपको डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में खुलेगा। इसके अलावा आपने कुछ स्टडीज़ लगाई हैं, कुछ इंडिकेटर्स अप्लाई करें हैं, मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपने ट्रेंड में जाके आपने यहाँ पर पैराबोलिक सार लगाया, आपने यहाँ पर वॉल्यूम लगाया, मनी फ्लो इंडेक्स लगाया, और इसके अलावा आपने कोई और इंडिकेटर यहाँ पर अप्लाई किया, जैसे कि आपने यहाँ पर जाके मूविंग एवरेज अप्लाई किया। अब ये आपका एक टेम्पलेट बन गया। आप चाहते हैं इसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है, अपने डिसीजंस लेने हैं, तो आप राइट क्लिक करेंगे, टेम्पलेट में जाएंगे और सेव टेम्पलेट करके इसको कोई भी एक नाम दे देंगे, माई टेम्पलेट लिख देंगे या कुछ भी आपको जो अच्छा लगे, लिख के आप उसको सेव कर देंगे। तो अब अगला चार्ट जब आप खोलना चाहेंगे, मान लीजिए आप अगला चार्ट लेट का खोलना चाहते हैं, अगला चार्ट आपने खोला तो ये चार्ट खोला, अब इसमें चाहते हैं कि आप वही टेम्पलेट अप्लाई करें जो आपने बनाया है, तो आप राइट क्लिक करेंगे लेफ्ट में ये टेम्पलेट पे जाके और माय टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे, तो जो भी टेम्पलेट आपने सेट किया था वही टेम्पलेट आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों जो चार्ट आपकी चार्ट की स्क्रीन देख रहे हैं इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे अगर, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप ये देखेंगे लेफ्ट साइड में तो आपको एक स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट मिल रहा है, और लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपको बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है। मान लीजिए आप बैकग्राउंड को और कोई कलर ग्रीन कलर देना चाहते हैं या आप इसको ब्लैक कलर देना चाहते हैं, फोरग्राउंड के जो ये ऑप्शंस आ रहे हैं इनको, कैंडल का कलर अगर मान लीजिए आप चेंज करना चाहते हैं इसको, आप कैंडल को आप येलो करना चाहते हैं, डाउन कैंडल को आप वाइट करना चाहते हैं, ऐसे ही बुल कैंडल को आप येलो करना चाहते हैं और बियर कैंडल को आप वाइट करना चाहते हैं, तो आप उस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। और जब आप सेट करके उसको आप ओके करेंगे तो आपको आप पाएंगे कि जैसा चार्ट आपने सेट किया था वैसा ही चार्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो जैसा भी आपने इसको सेट किया था उस हिसाब से आपको एज इट इज़ मिल गया। अब आप चाहते हैं कि इस स्टडी को भी आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको भी राइट क्लिक करके टेम्पलेट में जाके सेव कर सकते हैं। सिंपली आप जैसे ही सेव करेंगे वो सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आप आराम से जब चाहे उसको राइट क्लिक करके टेम्पलेट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ चार्ट विंडो में राइट क्लिक करके हमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप इंडिकेटर लिस्ट में जाके देख सकते हैं कौन से इंडिकेटर आपने लगाए हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, 0.03 करना है, कुछ भी जो भी आपको चेंज करना है, मूविंग एवरेज का पीरियड बदलना है 89 करना है 89 कर सकते हैं, मनी फ्लो इंडेक्स का अगर आपको यहाँ पर ये कलर चेंज करना है क्योंकि ये विजिबल नहीं हो रहा था तो इसको वाइट कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये चेंजेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो अरेंज कर सकते हैं चार्ट को, उसके अलावा ग्रिड्स लगा सकते हैं या ग्रिड्स हटा सकते हैं, वॉल्यूम लगा सकते हैं या वॉल्यूम हटा सकते हैं, और जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, पिक्चर अगर आप चाहते हैं इसकी पिक्चर लेना और इसको बाहर निकालना तो यहाँ पर सेव एज पिक्चर कर सकते हैं, एक्टिव चार्ट करके ओके करेंगे तो ये हमसे पूछेगा हमें कहाँ सेव करनी है, जहाँ भी हमें सेव करनी है हम वहाँ पर जाके सेव कर सकते हैं और जाके इजीली इस पिक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। तो चार्ट विंडो में हम ये सारी चीज़ें आराम से कर सकते हैं और इंडिकेटर्स भी यहाँ से हम लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि
ये जो इंडिकेटर्स थे ये एनफ नहीं है, आप कोई और इंडिकेटर ढूंढ रहे हैं और कोई इंडिकेटर जानना चाह रहे हैं इंडिकेटर के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि मेटा ट्रेडर 4 यानी कि MT4 बहुत बड़ी लाइब्रेरी है इनकी, बहुत सारे इंडिकेटर्स, मोर देन 1 लाख इंडिकेटर्स इनके पास अवेलेबल हैं, जिन इंडिकेटर्स के थ्रू आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं और समझ सकते हैं मार्केट के उतार चढ़ावों को और उनके बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा और मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अलावा कुछ एक चीज़ और हैं जो आप आराम से मेटा ट्रेडर में कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी कैंडल का देखना चाहते हैं कि इस कैंडल पर्टिकुलर कैंडल का हाई लो ओपन क्लोज क्या रहा है, तो उसके लिए आप ये क्रॉस हेयर ले जा सकते हैं। ये क्रॉस हेयर का बटन जो है वो जाके आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो टाइम और आपको राइट रेट बता देगा उस टाइम का कि इस टाइम क्या रेट था और क्या टाइम था, नीचे टाइम आता है और राइट साइड में रेट आता है। अगर आप पूरा इन्फॉर्मेशन फुल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डेटा विंडो के बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर जाके जब भी किसी भी कैंडल के ऊपर जाएंगे तो ये आपको बताएगा कि पैराबोलिक सार की क्या वैल्यू थी, मूविंग एवरेज की क्या वैल्यू थी, मनी फ्लो इंडेक्स की क्या वैल्यू थी, वॉल्यूम कितना था, हाई कितना था, ओपन कितना था, लो कितना था, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ईजिली एक्सेसिबल है, यानी कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर चार्ट विंडो में आराम से कर सकते हैं। डेटा विंडो लगाने के बाद हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हर एक कैंडल की कि क्या मूवमेंट रहा है, किस कैंडल पे क्या हमें करना था और क्या हमारा हाई लो ओपन क्लोज क्या रहा है, उस हिसाब से हम अपने डिसीजंस आराम से इसमें हम ले सकते हैं। तो ये था चार्ट विंडो का, और इंडिकेटर विंडो का भी मैंने आपको बता दिया। नेविगेटर विंडो में जाके आप इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। इसके अलावा जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एक्सपर्ट एडवाइज़र का ऑप्शन है, वो यहाँ पर जाके एक्सपर्ट एडवाइज़र लगा सकते हैं। जिनका फॉरेक्स में अकाउंट होता है, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं उनका लाइव अकाउंट इसी में होता है, तो इसी के अंदर से आप मेटा ट्रेडर आपको ऑटो ट्रेडिंग करने का फंक्शन देता है, जिसमें कि आप एक्सपर्ट एडवाइज़र लगा के अपने आप ट्रेडिंग कर सकते हो और वो ट्रेडिंग अपने आप होती रहती है। उसके लिए सिंपली आपको एक बार डबल क्लिक करना होता है एक्सपर्ट एडवाइज़र पे, और डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इनपुट्स वगैरह फिल करते हैं कि कितने लॉट में ट्रेडिंग करनी है, क्या मूविंग एवरेज का पीरियड रखना है, कितने शिफ्ट पे करनी है, और करके उसको जब ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको एक दिख जाता है मूविंग एवरेज का, ये जो मैंने अभी अप्लाई किया है एक्सपर्ट एडवाइज़र, वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और आपकी ऑटो ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके अकाउंट में फंड है तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं इसमें और आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आप FNI ऑर्डर विंडो, यहाँ पर हमारे जो ये MT4 है इसमें आपका ऑर्डर करने का ऑप्शन नहीं है, ऑर्डर लगाने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ चार्टिंग के लिए है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। मार्केट वॉच की विंडो में आप जो चीज़ें देख सकते हैं वो आपके सामने है, हाई लो बिड आस्क टाइम, ये चीज़ें आप इसमें आराम से देख सकते हैं और आराम से इसमें आप अपना काम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ स्पेशल टूल्स जो हैं और कुछ मेटा ट्रेडर की लाइब्रेरी के बारे में बताऊँगा कि कहाँ से आप जाके क्या क्या कर सकते हैं। स्ट्रेटजी टेस्टिंग के बारे में बताऊँगा, कैसे आप अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और ये चार्ट मैं यहाँ से हटा देता हूँ और डिफ़ॉल्ट चार्ट ओपन करता हूँ। ये सारे चार्ट मैंने यहाँ से हटा दिया, एक चार्ट यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ओपन है क्रूड ऑयल का। तो दोस्तों इस बटन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये क्रॉस हेयर है, यहाँ पर जाके किसी भी टाइम का प्राइस और किसी उसका टाइम देख सकते हैं। ये एक आपकी लाइन है, वर्टिकल लाइन कहीं भी आपको अप्लाई करनी है तो इस तरीके से आप वर्टिकल लाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको हटानी है तो आप डबल क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस कर सकते हैं, तो वो यहाँ से हट जाएगी। इसके अलावा आपको अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है तो यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से लगा सकते हैं। आपको हटानी है तो सेम काम करना है, डबल क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस करना है। इसके अलावा अगर आपको ट्रेंड लाइन लगानी है, ये जो लाइन है ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेंड लाइन आपको लगानी है तो इस तरीके से आप कोई भी ट्रेंड लाइन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई चैनल लगाना है, यानी कि आपको लग रहा है कि कोई मूवमेंट बराबर चल रही है, इक्विवेलेंट चल रही है टॉप और बॉटम से, तो आप यहाँ पर इस तरीके से इक्विवेलेंट चैनल को अप्लाई कर सकते हो और उसके हिसाब से आप अपने एनालिसिस कर सकते हो। हटाने के लिए डबल क्लिक करके डिलीट का बटन दबाना है, उससे हट जाएगा। उसके अलावा अगर आपको फिबोनाची चैनल, अगर आपको फिबोनाची ड्रॉ करनी है या इसके बारे में पता है, तो आप लो टू हाई जाके फिबोनाची के लेवल्स ड्रॉ कर सकते हो। ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा, रिट्रेसमेंट कब होगी, कितने परसेंट की क्या है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, तो अगर इसको आपको हटाना है तो इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट लिस्ट में जाना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा और डिलीट पे क्लिक करना पड़ेगा, इसके बाद हट जाएगा। एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, अगर आपको अप्लाई करना है तो इस तरीके से अप्लाई होगा, अगर आपको इसको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट लिस्ट में जाना है, सिलेक्ट करना है इसको और डिलीट का बटन प्रेस करना है।
तो उसके बाद ये यहाँ से आपका हट जाएगा, आप आराम से इसको हटा सकते हो। कोई भी आपको लेबल लिखना है तो आप यहाँ पर जाके टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट को टेक्स्ट का ये नाम दे सकते हैं यहाँ पर, और इसको कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर आपको देना है तो। और इसको उठा के आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर होती है, ये लेबल ड्रॉ करने के लिए लेबल भी आप इसी तरीके से ड्रॉ करते हो, लेबल को कोई भी नाम दे दो और उसके बाद यहाँ पर से कोई भी कलर दे दो और ओके कर दो, तो ये आ गया। इसको भी आप कहीं भी ले जाके डबल क्लिक करके कहीं भी ले जाके एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर कुछ शेप्स हैं जो शेप्स आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी शेप आपको लगानी है तो उस शेप पे क्लिक करके जहाँ पे लगानी है वहाँ पर छोड़ दो, माउस क्लिक कर दो तो वो यहाँ पर ऐसे अवेलेबल हो जाएगी, आपको दिख जाएगी। तो ये था मेटाट्रेडर के जो बटन्स थे ज़्यादातर, और यही ज़्यादातर बटन आपको यहाँ पर भी व्यू में जाके मिल जाएंगे। टूल बार्स में जाके देखिए, स्टैंडर्ड टूल बार हटानी है यहाँ से हट जाएगी, और चार्ट्स की टूल बार हटानी है हट जाएगी, और लाइन स्टडी हटानी है हट जाएगी, और टाइम फ्रेम हटाना ये भी हट जाएगा। दोबारा से लगाना तो जाके इन पे आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं, वे वापस आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे देखने को, देखिए ठीक है। उसके बाद एक बटन है जिसका नाम है स्टेटस बार, वो नीचे वाला जो स्टेटस कनेक्शन का है वो हटाने या लगाने के लिए है। अब देखिए वो हट गया है, अब दोबारा लगाना है तो यहाँ पर दोबारा क्लिक कर सकता हूँ मैं। उसके अलावा नीचे एक चार्ट बार है, चार्ट बार पे हटाने से वो जितने भी चार्ट हम लगाए होते हैं हमने वो हट जाते हैं, वहाँ से दिखते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए अभी ये दो चार्ट नीचे आप देखेंगे, नीचे यहाँ पर दो चार्ट्स दिख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर जाके चार्ट बार को हटा दूँ तो यहाँ पर वो दोनों चार्ट यहाँ से गायब हो जाएंगे, वो दिखेंगे नहीं, मतलब आप शिफ्ट नहीं कर सकते। तो इसको आप अप्लाई करके रखें तो ज़्यादा बेटर है। उसके अलावा मैं आपको एक और विंडो के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है टर्मिनल विंडो। नीचे आप देखेंगे टर्मिनल विंडो आपको दिखाई दे रही है, टर्मिनल विंडो पर क्लिक करने से नीचे एक विंडो खुलती है जहाँ पर आपको दिख रहा है बैलेंस 0.00 USD, क्योंकि ये डेमो अकाउंट है, इसमें कोई बैलेंस नहीं है, इसलिए आप आराम से इसमें देख सकते हैं कि ज़ीरो फंड पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप अपनी अकाउंट हिस्ट्री देख सकते हैं, न्यूज़ अगर कोई न्यूज़ आई है तो न्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी, कोई अलर्ट आया तो यहाँ पर मिल जाएगा। ये मेल बॉक्स है जिसमें आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो, न्यू रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसकी आपके आईडी और पासवर्ड, मान लीजिए आप भूल गए हैं या आईडी पासवर्ड आपको चाहिए तो आप यहाँ से आईडी पासवर्ड उठा सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो ये मेल बॉक्स का मेल आपको आईडी पासवर्ड दे देगा आपका। यहाँ पर मार्केट है, मार्केट से आप अगर कुछ परचेज करना चाहते हैं, कोई एक्सपर्ट एडवाइज़र या कुछ इंडिकेटर जो भी व्हाटएवर आप परचेज़ करना चाहें तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, यहाँ पर वो ईजिली अवेलेबल होते हैं। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो आपको दिख जाएगा कि जो लोग सेलर्स होते हैं वो यहाँ पर अपने अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, और आप कुछ आपको चाहिए तो आप यहाँ से इजीली परचेज़ कर सकते हैं, ये आपको दिख जाएगा। इसके अलावा इनका कोड बेस, ये जो कोड बेस मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इनका फ्री ऑप्शन है जहाँ से आप कोई भी इंडिकेटर डाउनलोड कर सकते हैं। लोग अपने अपनी रेटिंग देते हैं इंडिकेटर्स पे, कोई भी इंडिकेटर आपको डाउनलोड करना है या एक्सपर्ट एडवाइज़र डाउनलोड करना है तो आप यहां पर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, आपको किसी को कोई पैसे किसी तरीके के देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई कस्टम स्ट्रेटजी बनवाना चाहते हैं, जो कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिस जो यहां पर अवेलेबल नहीं होगी, या फिर कुछ आपका मन कर रहा है कुछ स्ट्रेटजी बनाने का, आपके दिमाग में कोई स्ट्रेटजी है, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं www.mcxshoregain.com पे, हम आपके लिए वो स्ट्रेटजी आपको बना के दे देंगे बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, आपको इजीली आपकी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी जो भी आपकी डिज़ायर स्ट्रेटजी है वो आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई भी इंडिकेटर, मान लीजिए ये इंडिकेटर मुझे चाहिए, मुझे लगता है कि ये इंडिकेटर मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो मैं इस पर क्लिक करके डाउनलोड पर क्लिक करूँगा। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ये इंडिकेटर डाउनलोड हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इसकी इनपुट विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया और ये देखिए इसकी इनपुट विंडो आपकी ओपन हो गई है। यहाँ पर जाके मैं देखूँगा कि क्या इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कलर नन है, विजुलाइजेशन में कौन कौन से टाइम फ्रेम पे दिखाना है, सारे टाइम फ्रेम पे दिखाना है, और इंडिकेटर के बारे में है, किसने बनाया है वो है। ओके करने से चार्ट पे दिखा देगा ये, डिस्प्ले द नंबर ऑफ ईच बार बोथ रिलेटिव टू द मोस्ट करंट बार एंड इन द एब्सोल्यूट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द चार्ट। तो ये इस बारे में ये इंडिकेटर था और इसने यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन हर कैंडल के ऊपर छाप दी है। आप इसको हटाना चाहें तो राइट क्लिक करके इंडिकेटर लिस्ट में जाके
इसको क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी इंडिकेटर या एक्सपर्ट एडवाइज़र आप ले सकते हैं। इसके बाद अगली विंडो है एक्सपर्ट्स की। जो भी कोई सिग्नल आता है, जो भी कोई अलर्ट यहाँ पर आपको मिलता है, वो अलर्ट पाने के लिए आप यहाँ पर एक्सपर्ट में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई अलर्ट आया था और आपको नहीं, आपको आपने उसको ओके कर दिया और आप उसे दोबारा देखना चाहते हैं, तो आप टर्मिनल विंडो में जाके एक्सपर्ट पे जा सकते हैं। जर्नल में आपकी कनेक्शन की स्टेटस, कोई सिंबल आपने लगाया है, हटाया है, क्या किया है, जो भी किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर जर्नल में मिल जाएगी आपको। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसका नाम होता है स्ट्रेटजी टेस्टर। स्ट्रेटजी टेस्टर बहुत से लोग यूज़ करते हैं, बहुत से लोगों को मेटा ट्रेडर में स्ट्रेटजी टेस्टिंग करने नहीं आती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप स्ट्रेटजी को टेस्ट किस तरीके से करें। दोस्तों, स्ट्रेटजी टेस्टर के लिए पहले मेटा ट्रेडर में सिर्फ एक ही ऑप्शन था, जो कि जिसमें कि आप सिर्फ एक्सपर्ट एडवाइज़र की स्ट्रेटजी टेस्ट कर सकते थे। अभी आप इंडिकेटर की स्ट्रेटजी भी टेस्ट कर सकते हो, लेकिन ड्रॉबैक सिर्फ एक है, क्योंकि इसमें फ़ंड नहीं होता और क्योंकि आपकी ट्रेड नहीं होती, तो आप एक्चुअल रिज़ल्ट नहीं पाओगे। वहाँ पर आपको नहीं पता चलेगा कि कितना आपका प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, लेकिन एक्सपर्ट एडवाइज़र लगाने से आपको पता लग जाएगा कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ। अभी मैं आपको इंडिकेटर और एक्सपर्ट एडवाइज़र दोनों के लिए बताऊँगा कि किस तरीके से आप दोनों में एक्सपर्ट एडवाइज़र लगा के आप उसको चेक कर सकते हैं, और एक्सपर्ट एडवाइज़र के साथ साथ इंडिकेटर दोनों चीज़ों को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इंडिकेटर पे जाऊंगा। मैं इंडिकेटर पे गया। अब हर इंडिकेटर की स्ट्रेटजी टेस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि हर इंडिकेटर पे अलर्ट्स नहीं होते हैं। मेटा ट्रेडर 4 के जो इंडिकेटर बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं, वो क्रॉस होने पर या कोई भी बाई या सेल कंडीशन बनने पर ज़्यादातर स्ट्रेटजीज़ में आपको अलर्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं कोई अपना कस्टम इंडिकेटर लगाऊंगा, और कस्टम इंडिकेटर पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्ट्रेटजी टेस्ट होती है। जैसे कि मान लीजिए ये स्ट्रेटजी है, इसको मैं ये JTS की स्ट्रेटजी को मैं अप्लाई करूंगा, और मेरा सिंबल लिया है यहाँ पर, सिंबल जो अवेलेबल है मेरे पास, मान लीजिए मैं क्रूड पे करूँगा। तो क्रूड पे करने के बाद, और ये विजुअल मोड होता है इसका, अगर मैं विजुअल मोड हटा दूंगा तो वो मुझे चार्ट चलता हुआ नहीं दिखेगा। अगर मैं विजुअल मोड लगा के रखूँगा तो मुझे चार्ट चलता हुआ दिखेगा, फ्लोटिंग चार्ट दिखेगा, जिस दिन से मुझे स्ट्रेटजी टेस्ट करनी है उस दिन से दिखेगा। यहाँ पर पीरियड्स का ऑप्शन होता है, जिस पीरियड में मुझे इसको देखना वो पीरियड में सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर 15 मिनट सिलेक्ट करता हूँ। और स्प्रेड होता है जी कि बाय और सेल के बीच का डिफरेंस। अगर यहाँ पर मैं कुछ स्प्रेड डालना चाहता हूँ तो मैं डाल सकता हूँ, नहीं डालना चाहता हूँ तो उसको करंट रख सकता हूँ। यहाँ से मुझे इंडिकेटर प्रॉपर्टीज़ पर जाना है। कुछ अगर मुझे प्रॉपर्टी चेंज करनी है या जो भी प्रॉपर्टी मुझे लगानी है वो यहाँ पर मैं चेंज करूँगा। चेंज करने के बाद ओके करूँगा। ओके करने के बाद मैं उसको स्टार्ट करूँगा। तो जब मैं उसको स्टार्ट करूँगा तो स्टार्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर थोड़ी देर के बाद जो है इसकी स्ट्रेटजी जो चलनी हुई स्टार्ट हो जाएगी, और मुझे दिखेगा कि कैसे कैसे मूवमेंट जो है वो हो रहा है इसमें, कैसे कैसे कैंडल्स फॉर्मेशन चल रही है, वो स्लोली स्लोली कैंडल मुझे फॉर्म होती हुई दिखेगी। अभी थोड़ा ये वक्त ले रही है क्योंकि अभी ये प्रिपरेशन कर रही है कैंडल्स का। तो दोस्तों देखिए, ये स्टार्ट हो गया है और अभी ये काम कर रहा है, पुराने टाइम की मूवमेंट दिखा रहा है। 16 नवंबर का चार्ट है ये, और आज की जो डेट है वो 11 जनवरी 2018 है, और ये 16 नवंबर 2017 का चार्ट दिखा रहा है। धीरे धीरे फॉर्मेशन चल रही है। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा फास्ट करना, तो मैं यहाँ पर ये 26 वैल्यू से इसको आगे बढ़ाऊँगा और 30 करूँगा, 31 करूँगा, उस हिसाब से ये धीरे 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 फ्लोट होना शुरू हो जाएगा। इससे बाद और आगे मैं जाना चाहता हूँ तो और आगे जा सकता हूँ। तो धीरे धीरे ये और फास्ट हो जाएगा और आपको दिखाएगा कि किस तरीके से कोई कैंडल्स की मूवमेंट हुई थी, किस तरीके से क्या सिग्नल आए थे और किन सिग्नल्स पे किस तरीके से मार्केट ने मूवमेंट करी है। ये था इंडिकेटर का। इसमें यहाँ पर आप अगर रिजल्ट में जाके देखेंगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, ग्राफ में जाके देखेंगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, रिपोर्ट्स में जाके देखेंगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, जर्नल में जाके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कब बाय आया था, कब सेल आया था, वो इन्फॉर्मेशन आपको ईजिली एक्सेसिबल है, आराम से इसमें देख सकते हैं। तो ये है इंडिकेटर का स्ट्रेटजी टेस्टिंग करना। मैं आपको एक बार दोबारा उस तरफ लेके जाता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर अगर इसको रोकना है तो मैं यहाँ पॉज का बटन ये बटन दबा दूंगा, इससे पॉज हो जाएगा। उसके बाद इसको अगर मुझे स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो मैं इससे कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर डेट पे जाना है तो मैं इससे जा सकता हूँ। यहाँ पर मैं डेट डालूँगा, यानी कि मैं 2 जनवरी डाल देता हूँ यहाँ पर, और प्ले करके स्किप टू कर देता हूँ तो वो 2 जनवरी तक पहुँचाएगा, और 2 जनवरी पर जाके उसके बाद से इसकी जो है फ्लोटिंग अगेन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि दोबारा से ये मूव करना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं इसको दिखाऊं आपको आगे, तो ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 23 नवंबर 24 नवंबर पे आ गया है,
स्लोली स्लोली ये आपका आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते 2 तारीख पे आके ये स्टॉप हो जाएगा, और वहाँ से फिर दोबारा से नॉर्मल जो फ्लोटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है, कैसे आपको चल रहा है इंडिकेटर, वो आप आराम से इसमें देख सकते हो, वो आपको इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो है इसका फ्यूचर का चार्ट जो है कमोडिटी का, आप कैसे देख सकते हो, कैसे देख सकते हो वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर इजीली। मैं आपको दिखाऊंगा किसी भी कमोडिटी का, किसी भी इक्विटी का, कोई भी चार्ट आपको लगा के देखना है तो आप देख सकते हो। हाँ इजीली आप यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कैसे स्ट्रेटजी को टेस्ट करना है। ये चीज़ आप इंडिकेटर्स के लिए भी कर सकते हो और एक्सपर्ट एडवाइज़र्स के लिए भी। तो अब मैं जो आपको करके दिखाऊंगा वो मैं आपको एक्सपर्ट एडवाइज़र के लिए करके दिखाऊंगा। मैं इसको बंद कर रहा हूँ यहाँ पर, और एक्सपर्ट एडवाइज़र के लिए मैं आपको करके दिखाऊंगा। एक्सपर्ट एडवाइज़र के लिए गया मैं, मैंने यहाँ पर कोई भी एक्सपर्ट एडवाइज़र लगाया, जैसे मान लीजिए मैंने गैप्स कॉल पर लगाया, मैंने कॉपर को सिलेक्ट किया, और या फिर मैं कोई और लगाता हूँ आपको दिखाने के लिए। मैं आपको सुपर ट्रेंड दिखाता हूँ, सुपर ट्रेंड बहुत से लोग यूज़ करते हैं, मैं आप सुपर ट्रेंड दिखा देता हूँ। सुपर ट्रेंड एक्सपर्ट एडवाइज़र में क्या, सुपर ट्रेंड पे गया, 15 मिनट के चार्ट पे गया और मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। तो जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो ये पहले डेटा कलेक्ट करता है 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट का, और कलेक्ट करने के बाद ये स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही कोई सिग्नल बनेंगे आपको यहाँ पर दिखेंगे रिजल्ट, ग्राफ, रिपोर्ट, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पर ये कुछ एरर दे रहा है, माफ़ कीजिएगा, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं इसकी जगह कोई और इंडिकेटर लगा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ चला के, सॉरी एक्सपर्ट एडवाइज़र लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइज़र लगाता हूँ और उसमें मुझे कुछ चेंजेस भी करने होंगे, तो मैं एक बार इसको नॉर्मली देख रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको कुछ चेंजेस करूँगा। ये देखिए ये अभी से चालू हो गया था, मैं इसको दोबारा से इसी तरीके से चालू कर देता हूँ। ये कुछ ट्रेड कर रहा है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कैसे ट्रेड्स हुई, क्या हुआ, ये कैसे कैसे इसका रिज़ल्ट मिला, क्या बाय और सेल में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर आराम से पता लग जाएगी। ये देखिए ये आपको दिखा रहा है कि 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, 20 पॉइंट का हुआ, कितना कैपिटल था, कितना हुआ, बढ़ गया या घट गया, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। आप ग्राफ में जाएंगे तो आपको ग्राफ दिखेगा कैसे कैसे वो नीचे और ऊपर हो रहा है, कैसे कैसे प्रॉफिटेबिलिटी या इसमें लॉस की तरफ वो जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएगी। उसके बाद आप रिपोर्ट्स में जाके देख सकते हो तो आपको रिपोर्ट्स मिल जाएगी। जर्नल में जाओगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, आपको यहाँ पर आपको दिखा रहा है सारी की सारी ट्रेड्स के बारे में कि कैसे ट्रेड्स हो रही हैं, कैसे क्या हो रहा है। तो एक बार फिर मैं दोबारा आपको वहाँ पर ले जाना चाहता हूँ एक्सपर्ट एडवाइज़र का। अगर मुझे कोई भी अगर कोई स्ट्रेटजी टेस्ट करनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पर से एक्सपर्ट एडवाइज़र सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं देखूँगा कौन सा एक्सपर्ट एडवाइज़र मुझे लगाना है, वो एक्सपर्ट एडवाइज़र लगाऊँगा। सिंबल सेलेक्ट करूँगा कौन सा सिंबल करना है, अगर मुझे विजुअल मोड चाहिए तो इसको टिक करूँगा, नहीं चाहिए तो अनटिक करूँगा। अनटिक करने के बाद वो एक्चुअल रिज़ल्ट 2 मिनट में मुझे एक्चुअल रिज़ल्ट दिखा देगा साथ के साथ ही कि क्या रहा क्या नहीं रहा, सारा कुछ सारा इन्फॉर्मेशन एक बार में ही मुझे अवेलेबल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखूँ 440 और यहाँ पर मैं लिखूँ पिप में लिखूँ मैं 200, यानी कि जो ये मुझे इसकी स्ट्रेटजी लगानी है उस हिसाब से, और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये उस हिसाब से ट्रेडिंग करना शुरू करेगा और मुझे एक्चुअल रिज़ल्ट दिखाएगा, एकदम से दिखा देगा। ये देखिए रिपोर्ट में गया, इसने मुझे दिखाया कि आपके 1 लाख रुपये आपने डिपॉजिट करे थे, 16,900 का आपका प्रॉफिट हुआ है, और कितने तक ड्रॉडाउन रहा है, कितने तक प्रॉफिटेबिलिटी रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। ये देखिए ग्राफ सीधा ऊपर ऊपर जा रहा है, तो ऊपर ऊपर जाने का मतलब है कि वो आपको प्रॉफिट प्रॉफिट दिखा रहा है सारे का सारा, 40 से लेके कहाँ तक स्टॉप हुआ वो उस लेवल तक के सारे एरोज या सारे प्रॉफिट्स आपको यहाँ पर ईजिली दिखने को मिल गए। तो ये था हमारा एक्सपर्ट एडवाइज़र को किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से इंडिकेटर्स को अप्लाई करना है, किस तरीके से टेम्पलेट लगानी है, सारा का सारा यूज़र मैनुअल अब आपको मिल चुका है, यानी कि अब आप परफेक्ट हो चुके हो। कोई भी काम आपको MT4 में करना है तो आप इजीली कर सकते हो, सिवाय एक दो कामों के। 2-3 चीज़ें और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ज़रूरी है, जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको जो भी इंडिकेटर्स आए हैं और आपके जो कस्टम इंडिकेटर है उसमें आपका जो अलर्ट आता है वो अलर्ट अगर मोबाइल नोटिफिकेशन के लिए भी कैपेबल है तो आप यहाँ पर टूल्स में जाके ऑप्शंस में जा सकते हैं।
ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में जाके एनेबल पुश नोटिफिकेशन कर सकते हैं, और अपने मोबाइल में एक मेटा ट्रेडर 4 इंस्टॉल करके मोबाइल का मेटा कोड आईडी जो है वो यहाँ पर डाल के और ओके करेंगे तो जब भी कोई ट्रेड होगा या जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको आपके मोबाइल में एज ए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है दोस्तों, अगर मेटा ट्रेडर 4 को यूज़ करते हो और करना चाहते हो ये चीज़, तो आप आराम से कर सकते हो और ज़रूरी भी है आपके लिए, ताकि आप ऑन द गो सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ले सको। ज़रूरी नहीं है हर टाइम आप अवेलेबल रहें, हर टाइम आप मोबाइल पे रहते हैं, लेकिन हर टाइम आप लैपटॉप या डेस्कटॉप के सामने नहीं रहते, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से ईजीली मिल जाएंगी। आपको अलर्ट मिल जाएगा और ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपका जो सिग्नल है नया वो आया है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई CSV डेटा अवेलेबल है और आप डेटा इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, तो कोई भी एक CSV फाइल बनाइए, जिस CSV फाइल में पहला टाइम होना चाहिए, जिस फॉर्मेट में ये टाइम है, ओपन होना चाहिए, हाई होना चाहिए, लो और क्लोज और वॉल्यूम, ये सारी वैल्यूज़ आपके पास होनी चाहिए, और आप यहाँ पर जाके इम्पोर्ट पर क्लिक करके कोई भी फाइल इम्पोर्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इस फाइल को एक्सपोर्ट करना CSV में, तो राइट क्लिक करके आप CSV में आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि कॉपर की फाइल 1 मिनट का डेटा मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा और डेस्कटॉप पे जाके मैं इसको सेव कर दूँगा। तो जब भी मैं जाके डेस्कटॉप पे देखूँगा तो आप देखेंगे कि एक CSV यानी एक्सेल फाइल आपको मिलेगी, और वो फाइल में जिस फॉर्मेट में भी डेटा आ रहा है उस फॉर्मेट में अगर आप डेटा अप्लाई करके और यहाँ पर जाके इम्पोर्ट करेंगे, तो आप आराम से डेटा इसमें इम्पोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो एनालिसिस है वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इसमें देख पाएंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट का पता लगेगा और आपकी जो इंडिकेटर्स हैं वो भी अच्छे तरीके से काम करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। फाइल के अंदर आप लॉगिन अकाउंट कर सकते हो, ओपन एन अकाउंट करना है तो यहाँ से करेंगे, लॉगिन है तो इस वाले बटन से हम लॉगिन करेंगे। व्यू में जाके अगर आपको किसी और लैंग्वेज में जाना है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई भी टूल बार हटाना या लगाना चाहते हैं तो यहाँ से टूल बार्स आपकी हटेंगे लगेंगे। सिंबल पे जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। मार्केट वॉच हटाना है या लगाना है तो आप मार्केट वॉच हटा लगा सकते हैं। डेटा विंडो मैंने आपको बताया था कि पूरी कैंडल की इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे। नेविगेटर के बारे में मैंने आपको बताया था, नेविगेटर में से इंडिकेटर लगाते हैं, इसको हटा लगा सकते हो। टर्मिनल विंडो पे जाके आपको अपना अकाउंट बैलेंस पता चलता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो अलर्ट आया उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। स्ट्रेटजी टेस्टर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि किसी भी स्ट्रेटजी को टेस्ट करना है आपको, पता लगाना है कि स्ट्रेटजी का क्या परफॉर्मेंस रहा, कैसा रहा, क्या उसने प्रॉफिट दिया, तो उसके लिए आप स्ट्रेटजी टेस्टर यूज़ करते हो। इंसर्ट में जाके आप इंडिकेटर लगा सकते हो, लाइन लगा सकते हो, चैनल्स लगा सकते हो, गेन की थ्योरी लगा सकते हो, फिबोनाची लगा सकते हो, किसी तरीके की शेप लगानी है तो वो शेप लगा सकते हो, एरोज़ लगाने हैं तो एरोज़ लगा सकते हो, और ये जो चीज़ें नीचे आपको मिल रही हैं पिचफोर्क वगैरह जो भी आपको लगाना है वो आपको लगा सकते हो आराम से। चार्ट में जाके ऑब्जेक्ट में जाके ऑब्जेक्ट लिस्ट देख सकते हो, जैसे कि फिबोनाची का मैंने हटा के दिखाया था वो ऑब्जेक्ट से हो तो वो ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ से हटा सकते हो। बार चार्ट करना है, कैंडल करना है, लाइन चार्ट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वैसे तो बाहर भी मिल जाएंगी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ से जाके भी ये काम कर सकते हो। टाइम फ्रेम चेंज करना है कर सकते हो, टेम्पलेट में जाके कोई भी टेम्पलेट अप्लाई कर सकते हो, ग्रिड हटानी है लगानी है कर सकते हो, चार्ट को रिफ्रेश करना है यहाँ से कर सकते हो, वॉल्यूम पर जा सकते हो, ऑटो स्क्रॉल, चार्ट शिफ्ट, जूम इन, जूम आउट, स्टेप बाय स्टेप जो भी आपको करना है, प्रॉपर्टी में जाना चार्ट की वो यहाँ से जा सकते हो। टूल्स में हिस्ट्री में जाके आपका काम है, ग्लोबल वेरिएबल से आपका कोई काम नहीं है, मेटा कोड्स की लैंग्वेज एडिटर ये आपके लिए काम का है अगर आप कोडर हैं, अगर आपको लैंग्वेज की नॉलेज है, C# की नॉलेज है, तो आप इसको खोल के इससे आप नए इंडिकेटर्स खुद से बना सकते हो। अगर आपको बनाने आते हैं तो इजीली ये आपको मेटा ट्रेडर एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ से आप इंडिकेटर बना सकते हो। मेटा कोड की लाइब्रेरी के अलावा भी अगर आप कहीं से कोई इंडिकेटर लेना चाहते हो तो आप गूगल पर जाके इंडिकेटर को डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद उस इंडिकेटर को आपको फाइल में जाके ओपन डेटा फोल्डर में जाना है, और ओपन डेटा फोल्डर में जाके MQL में जाना है और इंडिकेटर्स में जाना है, और यहाँ पर पेस्ट कर देना है उस इंडिकेटर को। पेस्ट करने के बाद जब आप यहाँ इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो आपको वो आपका इंडिकेटर यहाँ इस लिस्ट में दिख जाएगा। ये भी एक बड़े काम की चीज़ थी जो आपको ज़रूरी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आगे कभी इंडिकेटर कहीं से डाउनलोड करें तो ईजिली इसमें डाल के उसको आप चला सकें आराम से। आप इंसर्ट करेंगे तो आपको अच्छे से मतलब आप कोई भी इंडिकेटर है मार्केट से आपको मिला है, आपको लग रहा है कि हाँ अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है, आपको किसी ने इमेज वगैरह दिखाई उसकी कि आपको लग रहा है ठीक है भाई, तो आप लगा सकते हो।
ये टाइल विंडो का ऑप्शन आपको यहाँ पर था। इसके अलावा कास्केड में विंडो यानी कि एक के पीछे एक लगानी है तो लगा सकते हो, हॉरिजेंटली लगानी है तो हॉरिजेंटली लगा सकते हो, वर्टिकली लगानी है तो वर्टिकली लगा सकते हो, ये सारी चीज़ आप लगा सकते हो। मेटाकोट की हेल्प में आ जाके आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, इसके बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे आपको। ओके, तो ये था मेटाट्रेडर 4 का यूज़र मैनुअल, जिसमें हमने आपको एक एक इन्फॉर्मेशन दी, हर चीज़ के बारे में हमने आपको बताया क्या आप कैसे यूज़ कर सकते हो, क्या ट्रिक्स है, क्या टिप्स है, जो भी है इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीज़ों का प्रॉपर नॉलेज हो गया होगा। जो मेटाट्रेडर न्यूली यूज़ करते हैं उनको आराम से पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। सारी ट्रिक्स आपको मैं बता चुका हूँ। और अगर आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट का या कमोडिटी मार्केट का डेटा इसमें डालना और डेटा पे एनालिसिस करना, क्योंकि ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है एनालिसिस करने के लिए, ये तो बहुत से अदर सॉफ्टवेयर्स भी हैं, बट मेटा ट्रेडर को मैं सबसे ज़्यादा वोट दूंगा, क्योंकि इसमें आप कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कोई भी इंडिकेटर बनवा सकते हैं, बना सकते हैं और उनको अप्लाई कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी रन कर सकते हैं। तो ये था, आशा करता हूँ आपको अच्छा ही लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, लाइक करें हमारे वीडियो को और शेयर तो ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे ही वीडियो डालेंगे। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही आपको हमारे जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनकी जल्दी से जल्दी नॉलेज मिलेगी और जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि ये वीडियो नया आया है, आप उसको देख सकेंगे। क्योंकि हम अच्छे अच्छे वीडियोज़ डालते हैं स्ट्रेटजीज़ के बारे में, चार्टिंग के बारे में, कैसे चार्टिंग करनी चाहिए, कैसे आपको चार्ट्स को यूज़ करना चाहिए, इन सब विषयों में हम वीडियोस डालते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और नई स्ट्रेटजी या किसी और नई ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और हैप्पी ट्रेडिंग।